विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में वीआईपी पास पर क्यूआर कोड के माध्यम से दर्शन व्यवस्था महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा शुरू की जा रही है। श्रद्धालु इस क्यूआर कोड के माध्यम से समय व महाकाल मंदिर में प्रवेश गेट के साथ अपनी लोकेशन भी चेक कर सकेंगे। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए वीआईपी पास की व्यवस्था करने जा रही है, जिसमें अब वीआईपी पास पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु के लिए आसान होगा। उस पास पर दर्शन का समय लिखा होगा, उसी समय श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर बाबा महाकाल के सुगम दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। यही नहीं, वीआईपी पास पर जो क्यूआर कोड होगा उसमें मैप भी होगा, जो मोबाइल के माध्यम से महाकाल मंदिर में किस द्वार से प्रवेश कर सकते हैं इसके लिए मंदिर समिति प्रबंध आईटी कंट्रोल रूम से क्यूआर कोड पासधारी की लोकेशन ट्रेस कर सकेंगे। इसी पर अभी काम जारी है। मंदिर प्रबंध समिति व जिला प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द ये सुगम व्यवस्था करने की बात की जा रही है। अगर ये क्यूआर कोड वाली दर्शन व्यवस्था सफल हो जाती है तो इस व्यवस्था को आम श्रद्धालुओं के लिए भी लागू किया जाएगा। बारकोड के लिए अभी समिति ने ये डिसाइड किया है कि जो भी 250 का टिकट हम वितरण करेंगे काउंटर से, उस पर एक बारकोड दिया जाएगा। उस बारकोड के अंदर हमारे मंदिर के आसपास के जो गेट रहेंगे और लोकेशन गेट की, वो हम उसमें देंगे। तो दर्शनार्थियों को जो घूमते हैं कि कहाँ से जाना, कहाँ से एंट्री है, तो उसके लिए उसको एक सुविधा रहेगी। दूसरा ये है कि बाहर के डिपार्टमेंट के जिन भी कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी लगती है, जिस भी गेट पे लगती है, उसको उन्हें पता नहीं रहता कि कौन से गेट पे, तो वो उसको जो हम पास इशू करेंगे उसके ऊपर भी बारकोड आ जाएगा और उस बारकोड के सहारे वो अपने जो गंतव्य स्थान है उसका, वहाँ पे वो जा पाएगा।